everyone. I am Srinathi Pal, a student of Sri Vaishno Institute of Forensic Science, Biological. Today I am explaining biological basis of fingerprint. First, we understand about what is dermatoglyph. So, dermatoglyph study होती है skin rich pattern की. जो भी skin की rich present होती है, उसकी study को हम dermatoglyphic कहते हैं. Dermatoglyphic start हो जाती है बंदा during pregnancy, जब fetus third month में होता है, तब से वो start होती है बंदा, तो 6 month तक वो complete हो जाती है. जो basic size, shape और spacing होती है dermatoglyphs की, वो directly influenced होती है genetic factor से. बहुत सारे studies में ये बताया गया है कि multiple genes involved होते हैं pattern के formation के लिए. Genes जो control करती है हमारी various layer of the skin को, उसमें support करते हैं muscles, fat, blood vessels, ये सब का भी role बहुत important होता है skin rich pattern के formation. कोई भी twins का भी जो है skin rich pattern same नहीं होता है due to this all factors. और ये भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मतलब फीटल को जो भी वॉर्म में उसका एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो भी फैक्टर होता है स्किन रिच के फॉर्मेशन के लिए. और कोई भी दो ट्विन्स का भी आइडेंटिकल पैटर्न सेम नहीं होता, आइडेंटिकल पैटर्न नहीं होता. अब हम बात करते हैं हैंड डेवलपमेंट की, हैंड डेवलपमेंट कैसे होता है फीटल का. तो ड्यूरिंग 5 to 6 वीक्स हैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. एक फ्लैट सा पैडल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि धीरे धीरे डेवलप होता है, उस पर टिश्यूज बनते हैं और वो 6 to 7 वीक तक आते आते एक हैंड पूरा बन जाता है. उसका पैडल लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, मसल, कार्टिलेज, बोन्स वगैरह डेवलप हो जाती है. 7 to 8 वीक में फिंगर्स का फिंगर सेपरेट हो जाती है और हमारा पूरा हाथ हैंड जो रहता है वो ऑसिफाई हो जाता है, हार्डन हो जाता है. 8 वीक तक सारे जॉइंट्स जो बोन्स और हैंड्स के बीच में होते हैं, एक्सटर्नल मास्कुलोसिस जो होती है, वो पूरी कंप्लीट हो जाती है. अब हम बात करते हैं बॉलर पेट की. बॉलर पेट क्या होता है? तो बॉलर पेट एक मेसेनकाइमल टिश्यू जो रहता है, वो स्वेल होता है हमारे पूरे हैंड पर, जिससे हमारे हैंड में सॉफ्टनेस होती है. आपने देखा होगा हमारा हैंड एक बल्की दिखता है, उसको बोलते हैं बॉलर पेट बनना. बॉलर पेट पहले स्टार्ट हो जाता है 6 वीक से बनना, जो कि हमारे थंब से स्टार्ट होता है. थंब्स के बाद वो थंब में पहले थिनर टिश्यू स्टार्ट होते हैं, जो 7 to 8 वीक में स्टार्ट होता है. तो थिनर नाम का टिश्यू थंब से बनना स्टार्ट होता है और जो कि धीरे धीरे बनते 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 लिटिल फिंगर तक आता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथिनर. ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 8 वीक. अभी हम बात करते हैं कि वॉलर पेट का जो रहता है वो बनना कैसे फॉर्म होता है. तो वॉलर पेट धीरे धीरे जो हमारी फिंगर्स जो हमारे स्टार्टिंग टॉयज रहते हैं वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनता रहता है. तो 9 to 10 वीक में ये हमारे फिंगर्स को, हमारे थंब को एक प्रॉपर शेप देना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10 वीक तक पूरा आके कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद हमारा बॉलर पैड जो रहता है वो 11 वीक तक जो हमारी पाम की जो क्रिसिस होती है वो क्रिसिस बनना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे करते करते 13 वीक्स तक हमारा पूरा पाम रेडी हो जाता है. अब इसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं वॉलर पेट रिग्रेशन. यहाँ पर जब हमारा सारा डेवलपमेंट वॉलर पेट का कंप्लीट होने लगता है, तो वॉलर पेट की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होने लगती है. इसका मतलब ये नहीं है कि वॉलर पेट रिग्रेट हो रहा है या श्रिंक हो रहा है, वो श्रिंक नहीं होता है. सिर्फ जो डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो जो उसकी ग्रोथ रहती है वो स्लो होने लगती है. 16 वीक्स तक जो वॉलर पेट होता है वो कम्प्लीटली पूरी फिंगर्स में, पाम्स में, सोल्स ऑफ द फीट में कम्प्लीटली काउंटर हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है. अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फिंगर, कि हमारा जो फिंगर है, जो हमारा पाम है, वो कौन किस किस लेयर से मिलके बना है. तो पहले तो हमारे हाथ में क्या क्या होता है, तो हमारे हाथ में रिजिस होती है जो लेयर से मिलके बनी होती है, और उसमें कुछ पोर्स होते हैं. ये किस लिए होते हैं? ताकि हम कोई भी चीज़ को इजीली ग्रैस्प कर सके, पकड़ सके. अब हम उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है हमारे स्किन पर. तो मेनली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस. ये जो तीनों लेयर रहती है ये हमें प्रोटेक्टिव बैरियर होती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, और एक्सक्रीशन, इम्यूनिटी और ब्लड सर्वेयर के लिए हेल्प करती है, और ये हमारा विटामिन डी को भी सिंथेसिस करती है. अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस लेयर के बारे में.
एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, ये हमारा इवेपोरेशन प्रिवेंट करती है वाटर लॉस, और ये एक रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करती है। प्रोटेक्टिव बैरियर होती है ये मिलेनोसाइट, इसके अंदर एक टिश्यू होता है जो कि हमारे पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें भी मेनली एक डीएनए से पिगमेंट निकलता है, वो है केराटिनाइट साइट सेल। ये एक सेल टाइप है एपिडर्मिस का, ये हमें हार्मफुल यूवी रेज वगैरह से बचाता है और विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स है, एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पहली है स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रैटम स्पिनोसम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रैटम कॉर्निया। ये सब कुछ इनफॉर्मल लेयर होती है। सुपर बेसल लेयर और स्ट्रैटम बेसल लेयर के बीच में होती है और स्ट्रैटम स्पिनोसम एक प्राइमरी रिज का फॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं बाकी की बची टू लेयर्स का। डर्मिस, डर्मिस जो लेयर है वो एपिडर्मिस के नीचे होती है और एक कनेक्टिव टिश्यू होती है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में। ये सेल फाइबर्स ब्लड वेसल जेनेटिक्स मटेरियल को एपिडर्मिस से जोड़ती है और ये हमको प्रोवाइड करती है, ये एपिडर्मिस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट देती है और ये ब्लड रिजर्वियर में भी पार्टिसिपेट करती है और ये एक सेंसरी रिसेप्टर की तरह वर्क करती है और ये टेम्परेचर रेगुलेट भी हमारी बॉडी का यही करती है। अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर अंडर होती है डर्मिस लेयर के अंदर होती है और ये दो लेयर के बीच को दो को कनेक्ट करती है। ये डर्मिस को फैट से कनेक्ट करती है, एडिपोस फैट जो रहता है उससे, और ये हमारे को एनर्जी सर्व करती है डर्मिस के लिए और एपिडर्मिस के लिए। ये फाइबर को लिंक करती है एपिडर्मिस से और डर्मिस को लिंक करती है हाइपोडर्मिस से। अब हम बात करते हैं प्राइमरी रिज फॉर्मेशन कैसा होता है फीटस के अंदर। तो सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ प्राइमरी रिज फॉर्मेशन जो होता है वो 10 से 10.5 वीक के अराउंड होने लगता है। इसमें जो बेसल सेल होती है एपिडर्मिस की वो डिवाइड होना चालू करती है। वॉलर पे जो वॉलर जो हमने पढ़ा है वॉलर पेड, वहाँ पे एपिडर्मल के स्मॉल सेल डिवाइड होने लगते हैं और इसमें जो बॉटम ऑफ एपिडर्मिस बनने लगती है एक वॉलर पेड को क्या बोल सकते हैं वॉलर पेड प्राइमरी रिज का जो स्टार्टिंग होती है उसमें जो एपिडर्मल सेल्स है वो डिवाइड होने लगते हैं और लेजिस यहाँ पे दिया हुआ है कि शेल लो लेजिस। लेजिस मतलब जो रिज की जो प्रोजेक्शन होती है जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है रिज की वो बनना स्टार्ट हो जाती है और ये धीरे 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 डर्मिस और एपिडर्मिस जो रहती है उसके बीच में बनती है और ये रिजिस को स्टार्ट करा देती है। रिजिस का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ प्राइमरी रिज प्राइमरी रिज फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोपगेशन में क्या होता है कि प्राइमरी रिज होती है वो मैच्योर होने लग जाती है और वो एक्सटेंड डीपर मतलब वो डीप जाने लग जाती है। वो मैच्योर धीरे 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 बढ़ने लगती है और डर्मिस के पीरियड में आके वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5 वीक्स लेती है और पूरी तरीके से वो फॉर्म होने लगती है और अराउंड 16 वीक्स में वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस बीच में क्या होता है कि सेल ग्रोथ बढ़ती है इसमें और प्राइमरी रिज जो होती है वो एक इसमें टर्म दी हुई है प्रोलिफेरेटिव कंपार्टमेंट। इसमें ये होता है कि जो बेसल और सुपर बेसल सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल से अटैच होने लगते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू स्किन सेल के लिए और प्रोडक्शन ऑफ बेसल लेयर ऑफ स्किन मतलब जो लेयर की जो बेसल लेयर है उसको बनाने पर। इसमें मेनली जो हमारी जो स्किन रिज है जो प्राइमरी रिज है जो धीरे 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 वो बनने लगती है और कंप्लीट होने लगती है और इसके बाद हमारा जब रिज कंप्लीट होती है तो धीरे धीरे रिज कंप्लीट होते होते माइनुशिया फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। प्राइमरी प्रोपगेशन ऑफ प्राइमरी रिज फॉर्मेशन के बाद हमारा माइनुशिया फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। अब हम बात करते हैं माइनुशिया फॉर्मेशन की। तो माइनुशिया फॉर्मेशन का मैकेनिज्म ये रहता है कि जो स्टैटिक फ्यूजन और केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एग्जैक्ट लोकेशन में ये डिवाइड करता है रिजेस को उनके अलग अलग शेप जिसको हम माइनुशियाज बोलते हैं। बाइफर्केशन हुआ, एंडिंग रिज हुआ, विद इन द डेवलपिंग रिज, ये कैसे रैंडम सीरीज में होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फोर्स से, बस ये किस पर डिपेंड करता है तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट वेरिएशन इन द टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये फीटल को कैसा डेवलपमेंट अंदर मिल रहा है, उसको क्या स्ट्रेस मिल रहा है, उसके अंदर उसके मॉम पर
इफेक्ट है, इस बेसिस पे और जो केमिकल चेंजेस होते हैं मदर के वॉम में उस पर डिपेंड करता है कि जो प्राइमरी रिच है, जो कंटिन्यूस हो रही है, वो वहाँ कहाँ पर छूट रही है, या वहाँ पे कहाँ पर वो कर्व ले रही है, या कहाँ पर वो कोई सा भी शेप अपना बना रही है. इट रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ स्टैटिक फ्यूजन पर और केमिकल. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रिच फॉर्मेशन. इसके बाद सेकेंडरी रिच फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. सेकेंडरी रिच फॉर्मेशन स्टार्ट होता है 15 वीक से, जहाँ पे प्राइमरी रिच चल रही होती है, पर उसका सेकेंडरी रिच फॉर्मेशन भी वहाँ से स्टार्ट होने लगता है. यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो पेनिट्रेट करती है, स्वेट ग्लैंड्स बनने आने लग जाती है, न्यू सेल्स की ग्रोथ होने लगती है. जो वॉलर सरफेस है वो 15 वीक तक फुल्ली रिच पाम बन जाती है. जो वॉलर पे जो प्लेन था अभी तक 10 वीक तक, वो यहाँ से प्राइमरी रिच हुआ है. अब यहाँ पर आते आते वो पूरी रिजिस से भर जाती है 14 वीक तक, और यहाँ पे हमारा फिटस 14 वीक गोल्ड हो जाता है. अब बिटवीन 15 से 17 वीक में जो रहती है हमारी सेकेंड रिच अपीयर होने लगती है प्राइमरी रिच के उसमें, जो एपिडर्मिस होती है उस पर. सेकेंडरी रिच ऑल्सो से अभी यहाँ पे दिया सेकेंडरी रिच आर ऑल्सो सेल प्रोपुलेशन रिजल्टिंग डाउनफोल्स ऑफ द बेसल एपिडर्मिस. ये जो सेकेंडरी रिच होती है ये नीचे आते 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 जो बेसल का एपिडर्मिस होता है वहाँ तक हो जाती है. इस टाइम तक फीटल हमारा डेवलप हो जाता है और माइनूशिया जैसे फ्रिक्शन रिच, जो फ्रिक्शन रिच के बीच में जो माइनूशिया पैटर्न होते हैं वो परमानेंटली लोकेट हो जाते हैं, और न्यू प्राइमरी रिच फॉर्मेशन हमारा बंद हो जाता है. अब हम बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ सेकेंडरी रिच फॉर्मेशन. यहाँ पर जो सेकेंडरी रिच जो डाउनवर्ड इंक्रीज हुई थी सरफेस में, जो अटैचमेंट थे डर्मिस पे, वो परमानेंट हो जाते हैं, और प्राइमरी रिच के जो सेल्स होते हैं वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं. अब यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, सेल एडिशन कॉज इनफोल्डिंग इन द एपिडर्मल लेयर. यहाँ पे सेल एडिशन करके फोर्स लगती है जो कि लेयर्स के अटैचमेंट में और सेकेंडरी रिजेस के अटैचमेंट में वर्क करती है. अभी यहाँ से सेकेंडरी रिज जो है वो कंटिन्यू टू मैच्योर होने लगती है. तो ये मैच्योर होती है बिटवीन 16 to 24 वीक में ये मैच्योर हो जाती है, और जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सरफेस फ्रिक्शन रिज के इसमें ऐसा परोस हमको दिखने लगता है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डर्मल पैपिलाई. डर्मल पैपिलाई एक रेमिनेंट्स, एक डर्मिस का लेफ्ट प्रोजेक्शन होता है जो कि अपवर्ड आ जाता है एपिडर्मिस के, और ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है प्राइमरी और सेकेंडरी रिज के बीच में. ये फॉर्म होने लगता है हमारे 23 वीक्स के अंदर, और ये कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स होता जाता है फीटल फॉर्मेशन में इवन एडल्ट. ये एक जंक्शन टाइप का होता है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, जो कि ब्रिज टाइप का, जो कि सेल्स जो कि न्यूट्रिशन वगैरह नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है. अब हम बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं. तो पोर्स, एक स्मॉल पोर्स ओपनिंग हमारी फिंगरप्रिंट रिजेस के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि डक्ट्स होती है स्वेट ग्लैंड्स के लिए. इन ह्यूमंस अराउंड 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्वेट ग्लैंड अपीयर होने लगती है एपिसिस ऑफ द एपिडर्मिस. जो एपिसिस होती है एपिडर्मल की वहाँ पर, और मेनली हमारे इसमें तीन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज सेबेसिस ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड. तो थ्री, और ये सब वाटर, स्वेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक मैनी मिनरल्स और एसिड को Now we talked about eccrine gland. Eccrine sweat gland जो प्रेजेंट होती है वो हमारे पाम और सोल में मेनली प्रेजेंट होती है, और ये एपिडर्मिस के बेसल एपिडर्मिस के नीचे होती है. अभी जो eccrine gland जो है वो कंपोज्ड होती है इंट्रा एपिडर्मल स्पायरल डक्ट से, जिसको हम एक्रोसिरिंजियम कहते हैं. एक डर्मल डक्ट होती है जो कि स्ट्रेट जाती है, और कॉइल्ड पोर्शन होता है इसके अंदर, और ये सेक्रेटरी ट्यूब्यूल कॉइल डीप इन द डर्मिस, और ये इसका जो ट्यूब्यूल होता है वो डर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में होता है. ये मेनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक
स्वेट वाटर को रिलीज करती है। अब हम बात करते हैं सेबेसियस की, तो सेबेसियस ग्लैंड जो रहती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एक पार्ट है। ये हेयर फॉलिकल ऑयली वैक्सी जो मटेरियल कॉल्ड उसको सीबम कहते हैं, ये वो प्रोड्यूस करती है और ये लुब्रिकेट करती है हमारी हेयर को, स्किन ऑफ मैमल्स को। अभी सेबेसियस ग्लैंड ऑकर होती है मेनली द नंबर ऑफ स्कैल्प में ऑकर होती है, पाम में, हैंड्स में, सॉल्स ऑफ द फीट, आईलीड्स, मियोबिबिना ग्लैंड, ऑल्सो स्टार सेल ग्लैंड भी जिसको कहते हैं, और सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन टाइप सीबम और इनटू टीयर्स होता है सराउंडिंग द। ये फीमेल निपल, एरियोलर ग्लैंड और स्पेशल सेबेसियस ग्लैंड। अब हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एपोक्राइन ग्लैंड जो कंपोज्ड होती है कॉल्ड सेक्रेटरी पोर्शन। एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कंपोज होती है कॉइल सेक्रेटरी पोर्शन से, जो कि लोकेटेड होता है जंक्शन के बीच में डर्मिस और सबक्यूटेनियस फेट के बीच में। यहाँ से वो अपना स्ट्रेट पोर्शन जो होती है इंसर्ट करती है इन्फीड्यूबुलर पोर्शन जिसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल में। इन ह्यूमन एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है एक्सिलाई आर्मपिट्स में, एरोला निपल्स ऑफ द ब्रेस्ट, ईयर कैनाल, आईलिड्स, विंग ऑफ द नॉस्ट्रिल, पेरिनियल रीजन एंड सम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ जेनिटल में। मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सिलियरी ग्लैंड कहते हैं जिसको आईलिड्स में, और सिलिमिनियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं विच प्रोड्यूस, ये ईयर वैक्स प्रोड्यूस करता है और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन है जो ये ग्लैंड सिक्रीट करती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्राइन ग्लैंड। तो एक्राइन ग्लैंड के कंपोजिशन में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है और मिसलेनियस भी होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल में हम लेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, और ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, यूरिया। मिसलेनियस में हम ले लेंगे एंजाइम्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड जिसमें क्या आ जाएगा, और इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर आता है, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड, वैक्स एस्टर, स्क्वेलेंस, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर एक्सेट्रा।